आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह था, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। सभी पूज्य गुरुजनों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान किया गया है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, ये समाचार पत्रों में आया है, इस पर विचार जरूर चल रहा है। शिक्षकों की संख्या कम हो गई, पहले जो निर्धारित थी वो कम हो गई, क्या विवादित शिक्षकों के नाम आ गए थे? कुछ विवादित थे जो इस योग्य नहीं थे। और सर बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं शिक्षक संगठन के जो सम्मानित हुए उनमें भी कुछ विवादित चेहरे जो है जिन्हें सम्मानित कर दिया गया है, उस पर क्या किया गया? अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर, संस्कृत शिक्षक में 6 सालों से आज तक कोई सम्मान नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं, एक शिक्षक संस्कृत के इसमें है। हमने सभी को आग्रह किया था को आवेदन करें, पर वो नहीं कर पाए हैं। एक शिक्षक ने आवेदन किया था, अच्छे शिक्षक हैं, उनको सम्मानित किया गया है। सर, आपकी मंशा क्या है? अगर दूध मेरी मंशा ये है कि छात्रों का हित सर्वोपरि हो, अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हो। सर, को लेके मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो गौ माता का दूध बहुत अच्छा होता है, उससे घी बनता है, एक बूंद घी में 1 टन ऑक्सीजन होती है। सर, कोटा में स्टूडेंट सुसाइड कराई है, नीट मामले में जो पेपर स्टूडेंट ने सुसाइड करा। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जो आपने ये साला दर इसके तहत ऐप के तहत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, तो वंचित जो बच्चे हैं उनका भी होगा या कब तक? कोई विद्यार्थी छूटेगा नहीं जिसका हम स्वास्थ्य परीक्षण ना करें। को मेरी बहुत बहुत बधाई, उनको सबको प्रणाम। कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन बनी है, बावजूद इसके सुसाइड नहीं रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाएंगे? कोचिंग क्लासेस का जिम्मा मेरे पास नहीं है।